हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू विल ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, एज यू नो बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द 3 वीडियोस ऑफ क्लास 10th व्हिच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू बेस्ड। हियर आई एम टुडे गोइंग टू डिस्कस the fourth part which is in the form of MCQs and the topic is related to the respiration। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 के एग्जाम्स शेड्यूल्ड हो चुके हैं CBSE बोर्ड के द्वारा। और बहुत गैपिंग नहीं है इसमें और आई थिंक साइंस का दूसरा ही पेपर है जो कि MCQ पैटर्न पर होने वाला है। तो आइए उसके पहले हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपके मार्क्स कहीं से भी कम ना हो। आप जानते ही हैं कि शिक्षा में किया गया हुआ इन्वेस्टमेंट फिजिकल कैपिटल और लैंड कैपिटल से भी ज़्यादा बेहतर रिटर्न हमें देता है। आप जानते हैं कि जापान और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने फंड या फिर अपने बजट का बहुत सारा पार्ट जो है वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स वाई वी शुड आल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम मोर एंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। दैट्स वाई वी कैन रिसीव द बेस्ट रिटर्न फ्रॉम दिस। तो आइए इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जो कि MCQ फॉर्म में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन ये है जो यूनिसेलुलर फंगस में एन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच डू नॉट यूजेस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एन एरोबिक्स। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एथेनॉल होगा, C2H5OH होगा, उसके अलावा CO2 भी होगा, उसके अलावा स्मॉल अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बट हियर इन यूनिसेलुलर फंगस the H2O is not produced during anaerobic respiration, right? So our correct option will be H2O, which is not produced during the anaerobic respiration in unicellular fungus. So your option will be H2O, right? Our next question is, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, एंड द ऑप्शंस आर अमीबा, यॉक एंड ईस्ट। अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यॉक भी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल है, इन्हें भी रेस्पिरेशन करना होगा और जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड होगी। एंड वी हैव स्टडीड इन आवर चैप्टर दैट इज ओनली द ईस्ट विच कैन फर्मेंटेट विदाउट ऑक्सीजन, विच कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस एथेनॉल, CO2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हियर आवर ऑप्शन विल बी करेक्ट एज ईस्ट। बहुत ज़्यादा एक्सप्लानेशन मैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में दे चुका हूँ, इसलिए जहाँ यहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं आपको ऑप्शंस के लिए एक्सप्लानेशन
दी जाएगी, इसलिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें और पढ़ने की लगन डेवलप करें। अगर इस संदर्भ में मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद जी की, तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन्हें पता चला कि वो तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन अभी पढ़े ही नहीं। हालांकि उनका मैथ्स में मन लगता नहीं था, जिसके वजह से उनके मार्क्स कभी भी मैथ्स में अच्छे नहीं आए, लेकिन जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ते थे वो बहुत तरीके से पढ़ते थे और याद कर डालते थे। हालांकि वो रटने पर जोर नहीं देते थे, लेकिन वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि जो भी चीज़ें वो पढ़ते थे वो उन्हें याद हो जाती थी। तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, तो परीक्षा की पहली रात, मतलब एक दिन पहले वाली रात, उन्होंने ज्योमेट्री की 4 बुक्स लगातार 24 घंटे में तैयार कर डाली। जिस भी सब्जेक्ट को वो पढ़ते थे वो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ते थे कि वो उन्हें समझ में आ जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने बताया कि जब लिखी हुई बात को वो स्टार्टिंग में पहले तो पढ़ते थे लाइन बाई लाइन, तब समझ लेते थे, बाद में उन्होंने पैराग्राफ्स की पहली लाइन और लास्ट लाइन को पढ़ के ही समझ लिया, फिर उन्होंने पूरे पेज की पहली लाइन और लास्ट लाइन पढ़ के उसके बीच में छुपे हुए अर्थों को समझ लिया, और फिर बाद में कई कई पृष्ठों में जो बातें समझाई गई होती थी उनको वो बहुत आसानी से कुछ लाइनों में समझ लेते थे। तो इतनी ज़्यादा कुशाग्रता उनके पास थी, क्योंकि उनका मन बहुत ही कॉन्सेंट्रेट था, तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा हुआ सारा मटेरियल, सारा सब्जेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो पढ़ने की लगन इस तरह से डेवलप करें। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द ब्रांचाई, एल्वियोलाई, ब्रांचियोल्स एंड ट्रेकिया। तो आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को रिसीव करना, दैट इज टेक्स प्लेस इन द स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स एंड कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चर वेयर द एक्चुअल exchange of gaseous takes place, so the correct option will be alveoli. Okay, next question will be, our next question is, in one of the following organism the gaseous exchange during respiration does not takes place through cell membrane या skin, this is या these are, दिस इज होना है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन या स्किन से नहीं होता है? और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक ईल, लीच, अर्थवॉर्म और अमीबा। यू हैव टू सेलेक्ट योर द राइट ऑप्शन। क्या हो सकता है इसमें? इलेक्ट्रिक ईल इज़ अ काइंड ऑफ फिश विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर। लीच, जिसको आप हिंदी में जोंक कहते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों चाहे एनिमल्स के स्किन से ये स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। अर्थवॉर्म के बारे में आप जानते ही हैं, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों को चाल चाल के डिकम्पोज करके उसको फर्टाइल बनाते हैं, जिससे क्रॉप्स की पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। और लास्ट ऑप्शन है अमीबा। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अर्थवॉर्म रेस्पायर विद मॉइस्ट स्किन। लीच आल्सो रेस्पायर विद देयर स्किन। वेयर एज इलेक्ट्रिक ईल इज अ फिश which is present in the water, and you will know that the organism which is present in the water and if they are belongs from the category of fish, they have gills, and with the help of these
gills they can respire, they can change the gases like CO2 and O2 which is present in the dissolved form in water. So our right option will be electric eel. Electric eel will be the correct option. तो ये आपको जानना होगा. तो ये आपका हो गया राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एन एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड भले लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा कि बहुत ही आसान हो जा रहा है अगर आप ध्यान से सुनेंगे. और आप देखिए कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी और डी, जिसमें ऊपर आपको मेंशन कर दिया गया है कि CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. तो इस कठिन ऑप्शन को मैं ज़रा आसान बनाने के लिए अगर कोशिश करूं और आपको बताऊं, तो आप देखेंगे कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन विच इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड इन दिस वे व्हेन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड डज नॉट टेक्स प्लेस द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. तो आप देखेंगे कि अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वाले ब्लॉक में कहाँ कहाँ पर यस लिखा हुआ है. तो यस लिखा हुआ है ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में. तो आप चाहें तो पहले इन दोनों ऑप्शंस को कट कर दें, क्योंकि अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से कट चुके. बचा क्या? बी और सी ऑप्शन बचे. अब बी और सी ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है. अब आइए CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ, जिस रिएक्शन को आप जानते हैं कि व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स इन द साइटोप्लाज्म, मींस व्हेन द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. एंड व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स इट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, मींस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड इज चेंज्ड. एंड व्हेन इन मसल्स व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस इज चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ओनली टू ATP एनर्जी इज रिलीज्ड. तो हियर यू कैन से दैट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस. तो इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे. ग्लूकोज, इसके वन मॉलिक्यूल, ये ब्रेक होगा साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन, एंड यहाँ ग्लूको है मतलब ग्लाइको है, तो ब्रेकिंग होगी ग्लूकोज की, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी. और ये चेंज होगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनेंगी, पाइरुविक एसिड. और ये जब मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में आप देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर मींस जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत थी तो हमें ऑक्सीजन उतना नहीं मिली, तो हमारी मसल्स ने एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से हमें टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड ये डिपॉजिट हो जाती हमारी मसल्स में, और टू ATP का केवल और केवल हमें
फ़ायदा होता है इस रिएक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CO2 कभी प्रोड्यूस नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड नो, और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड नो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होना है। CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, ये वाला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ पे S लिखा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे S कोई भी मतलब CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रही है। दैट्स वाई आवर ऑप्शन इज ओनली एंड ओनली वन, दैट इज नो, मीन्स बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट एज दैट इज CO2 is always not produced and always lot of energy is not released in the process of anaerobic respiration. Is it clear to all? Next question is, which of the following increases in muscles cells when they are lacking in oxygen? ऊपर के explanation से ये साबित होता है, crystal clear होता है कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब कमी हो जाएगी, जब सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आवर बॉडी स्टार्ट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच दिस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, विच इज लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज लैकिंग इन द ऑक्सीजन। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, और इसी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है। बाद में आगे इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल एनर्जी गिविंग प्रोसेस। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का यहाँ पर कौन सा डिफिनेशन सही होने वाला है? आप देखें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आर फर्स्ट एज ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, मींस इनहेलेशन करते हैं, ब्रीदिंग इन होती है और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है टिश्यूज में। क्या ये डिफिनेशन सही है? दूसरा ऑप्शन, The oxidation of food substances to release energy. Oxidation of food होता है और energy release हो जाती है। Next, the building up या synthesis of complex substances. The third option is, and the last one is getting rid of carbon dioxide that would accumulate in the tissues. क्या internal respiration को ये define किया जा सकता है कि जो carbon dioxide बनी हुई हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान वो बाहर निकल जाती हैं? तो आप रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में हमेशा से पढ़ते आए हैं, रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एट अ वेरी कॉन्सिडरेबल अमाउंट व्हेन द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद फूड ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। तो ये डेफिनेशन आपको किस ऑप्शन में मिल रही है? आप देखें कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारे डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑप्शन विल राइट एज बी। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मीन्स जब किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर चूने वाला पानी भरा हुआ हो और हम लोग उसमें फूंक मारते हैं, मींस एयर उसमें एंटर कराते हैं माउथ के थ्रू, तो ये जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है, मिल्की जैसा या दूध जैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसके लिए तो हमारे एयर में कौन सी गैस प्रेजेंस है, प्रेजेंट है? दैट इज ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। तो किस गैस के प्रेजेंस के कारण लाइम वाटर का कलर
दुधिया हो गया. दैट इज वी नो दैट वी एक्सहेल द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नियरली 16.4%. जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उसमें CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होता है और दैट इज 64.4 के आसपास होता है. तो CO2 का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा एक्सहेलेशन के वजह से, और ये टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट लाइम वाटर को चेंज कर देगा, मिल्की या दुधिया रंग हो जाएगा. तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा CO2. समझ आ रहा है कि हमारे एयर में, एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होने के वजह से ही जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो आपको ये बताना है कि इनहेलेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है. पहला सीक्वेंस आपका दिया हुआ है नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोलाई. तीसरा ऑप्शन लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स और लंग्स. चौथा ऑप्शन नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया एंड फाइनली टू द एल्वियोलाई. वी नो दैट इनहेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनसाइड द बॉडी. यही है इनहेलेशन, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को, मींस ऑक्सीजन को हम लोग एंटर कराते हैं अपने बॉडी के अंदर. तो सबसे पहला पैसेज क्या होगा? नेजल पैसेज तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉस्ट्रिल्स सबसे पहले होगा. नॉस्ट्रिल और उसके अंदर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से थ्रू वो जाएगी कहाँ पर? फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में पहुँचेगी और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया या विंड पाइप आप जिसे कहते हैं, एंड फाइनली फ्रॉम ट्रैकिया टू द एल्वियोलाई. तो जहाँ पर नेजल पैसेज और लैरिंग्स है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले आप क्रॉस आउट कर दीजिए, जो कि ऑप्शन बी और सी का है. तो हमारे पास दो ऑप्शन अभी बचे हुए हैं, ए और डी, जिसमें दोनों में नॉस्ट्रिल्स है. अब आपको देखना है कि लैरिंग्स और फेरिंग्स. तो लैरिंग्स को हम कंठ नली भी कहते हैं या साउंड बॉक्स कहते हैं. तो सबसे पहले जो एयर है वो फेरिंग्स के पास जाएगी और वो फेरिंग्स से होते हुए तब लैरिंग्स में पहुँचती है. तो ये ऑप्शन हमारे पास किस में प्रेजेंट है? डी में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी फॉर दिल्ली, दैट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स से ये, सॉरी, डी में नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स और लैरिंग्स टू ट्रैकिया एंड ट्रैकिया से फाइनली एल्वियोलाई में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी राइट एज ऑप्शन नंबर डी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफन इन मसल्स लीड्स टू क्रैम्प्स इन द लेग्स ऑफ स्प्रिंटर्स. दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू. लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ऑफन इन मसल्स, कभी भी या प्रायः जब मसल्स में हो जाती है तो ये लीड टू क्रैम्प्स, मतलब अकड़न या फिर जकड़न हो जाती है हमारी मसल्स में इन द लेग्स ऑफ स्प्रिंटर्स. स्प्रिंटर्स मतलब धावक, दौड़ने वाले, उनके पैरों में, उनकी मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है, अकड़न आ जाती है. दिस इज़ ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइरूवेट किस में बदल जाता है? एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एसिटिक एसिड में या फिर लैक्टिक एसिड में. तो आपने देखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द पाइरूवेट इज चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड विच कॉजेज मसल क्रैम्प्स इन द स्प्रिंटर्स. राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी एज लैक्टिक एसिड. तो आप लैक्टिक एसिड को यहाँ पर सही करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 62. ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स
pyruvic acid is converted into lactic acid in where? Means cytoplasm में, chloroplast में, mitochondria में और Golgi body में. कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन का अभाव हो जाए टिश्यूज़ में, तो pyruvic acid जो है वो lactic acid में बदल जाती है. कहाँ पर बदल जाती है? cytoplasm में, chloroplast में, mitochondria में या फिर Golgi body में. These are the examples of cell organelles. साइटोप्लाज्म तो सेल का पार्ट है, लेकिन बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट और गॉल्जी बॉडी में तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है और गॉल्जी बॉडी में भी नए नए मटेरियल्स बनते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. लेकिन दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी बचे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं पाइरुवेट में या पाइरुविक एसिड में, और फर्दर जब ऑक्सीजन मिलता है तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होते हैं, और तब जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो साइटोप्लाज्म में ही पाइरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, क्योंकि अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाती तो वहां पर ऑक्सीजन उसे मिलने लगता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइट प्रोवाइड करता है जहां पर क्रिस्टी और फिर F1 पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे वो उसे ऑक्सीजन को कंज्यूम करके वहां से रेस्पिरेशन कर सकते थे, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो सकता था. तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में पाइरुविक एसिड. कहाँ पर हो जाएगा? साइटोप्लाज्म. तो लॉजिक समझते रहें, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए. एंड यू हैव टू एबिलिटी टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बाई नॉलेज, नॉट फॉर क्रैमिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं चार, लेकिन उन चार ऑप्शंस के बाद भी आपको ABCD करके बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट वन ऑफ द ऑप्शन इज पाइरुवेट बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2 बाय ईस्ट. मींस पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और CO2 में बाय ईस्ट. ये तो आपने देखा है कि दिस इज़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईस्ट, विच इज़ नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट. तो पाइरुवेट ही चेंज हो जाता है एथेनॉल और CO2 में. आगे बात करते हैं. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. फर्मेंटेशन आपने देखा कि तभी होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो, और ऐसे बैक्टीरिया एरोबिक न कहलाके एन एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, विच फर्मेंटेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन इज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, जहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है और फिर उसके बाद वो एथेनॉल में बदल जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलती तो फिर यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता, तो फर्मेंटेशन नहीं होता. ऑप्शन ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि फर्मेंटेशन तभी होगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही फर्मेंटेशन होगा, और दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो आप देखें कि पहला ऑप्शन जिसमें पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और CO2 में, ये भी फर्मेंटेशन ही है, और फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन. सो द ऑप्शन A and D बोथ आर करेक्ट. तो आपको सेलेक्ट करना है कि पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे ऑप्शंस में कौन आपका सुटेबल सही है. A और D कहाँ मिल रहा है? तो दैट इज थर्ड में मिल रहा है. A और D बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. याद रखें, अगर स्टेटमेंट
आपको समझ में आएंगे, तभी आप assertion और reasons के questions भी कर पाएंगे. Is it clear to all? Which of the following statements are true about respiration? यहाँ पर भी चार options हैं और चार options में से आपको select करने हैं कि कौन कौन से option, दो ऐसे option हैं जो सही हैं. तो पढ़ते हैं, during inhalation ribs move inward and diaphragm is raised. During inhalation means inhalation is a process in which atmospheric air enters to our body and enters in our lungs. तो आप inhalation करिए, सांस को अंदर की तरफ खींचिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ribs inward नहीं बल्कि outward बाहर की तरफ move कर रही हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है inward, तो सबसे पहले option हमारा ये गलत हो गया. डायफ्राम, यहाँ पर एक वर्ड आया है, डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट ऑफ मसल्स दैट सेपरेट्स आवर थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी. मसल्स से बना हुआ ही एक पार्ट होता है ये, और चपटा होता है, पतला सा चपटा होता है जो हमारी थोरेसिक कैविटी को मीन्स चेस्ट वाले पोर्शन को एब्डोमिनल पोर्शन से अलग करता है. तो डायफ्राम इज रेज्ड, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. दूसरा है, द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई. जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन एंटर करता है एल्वियोलाई में. ऐसा क्यों होता है, किस प्रोसेस से होता है, सब वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होता है, PCO2 क्या होता है, PO2 क्या होता है, कैसे डिफ्यूज़न होता है, वास्तव में ये आपको वहाँ बताया गया है. तो नेक्स्ट ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 एंड O2. हीमोग्लोबिन जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक कंपोनेंट है जिसके वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. इसमें आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होने की वजह से ये हमारे ब्लड के कलर को रेड बनाती हैं. और दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन की जो क्षमता है, जो एफिनिटी है, जो बाइंड करने की पावर है, वो किसके साथ ज़्यादा है, CO2 के साथ ज़्यादा है या O2 के साथ ज़्यादा है. तो CO2 और O2 में कंपैरिजन किया जाए तो ये O2 के लिए ज़्यादा है, बट अगर यहाँ CO2 के बदले CO रख दें, कार्बन मोनोऑक्साइड रख दें, तो 200 टाइम्स इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है. मीन्स हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड न करके CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है. इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम बर्निंग या कंबस्टन टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूज ट्रैकी या ट्रैकिया एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दिस एनिमल इज. इनमें से कौन सा एनिमल है जो ट्रैकिया का यूज नहीं करता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. इनमें ऑप्शंस क्या है, ग्रास हॉपर, प्रॉन, मॉस्क्यूटो एंड कॉकरोच. आप देखेंगे कि इनमें ऑप्शन ए, सी और डी जो तीनों हैं वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ये तीनों इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब दे यूजेस ट्रैकिया. कुछ इसमें कॉकरोच एयर ट्यूब वगैरह का यूज़ भी कर लेते हैं, स्पिरेकल्स, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो मोस्टली स्पिरेकल्स से ब्रीदिंग करते हैं. और यहाँ पर विंड पाइप या ट्रैकिया इज यूजेस बाय ग्रास हॉपर, मॉस्क्यूटो एंड कॉकरोच. वेयर एज प्रॉन इज अ कैटेगरी ऑफ फिश, और आप जानते हैं कि फिश जो होती हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रॉन विच यूजेस
trachea as the respiratory organs, and grasshopper, mosquito, cockroaches uses trachea as the respiratory organs. Trachea ये सारे use करते हैं, जबकि prawn जो है वो gills का use करता है. That's why our option will be correct as B, prawn. Next question. The photosynthesis in a plant is not taking place during the daytime if the plant is releasing what? Water vapor, oxygen, CO2, all of these. कह रहे हैं कि दिन के समय, when the daytime, if there is no photosynthesis takes place during the daytime, if the plant is releasing, अगर दिन के समय photosynthesis नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन के दौरान आप जानते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है और जो वेस्ट कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में यूटिलाइज हुआ है, और जबकि सफिशियंट अमाउंट में बन गया है वेस्ट उसका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस समय रिलीज हो रहा होगा उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. तो इस तरह से CO2 उस समय रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा CO2. करेक्ट ऑप्शन विल बी CO2, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा CO2 रिलीज हो जाएगा, मींस बाहर जो है उसका कंसंट्रेशन CO2 का कम होगा, और अंदर रेस्पिरेशन होने के वजह से CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से CO2 इनसाइड टू आउटसाइड आ जाएगी डिफ्यूज़ करके, और आप देखेंगे कि ये एक रेस्पिरेटरी गैस भी है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 69 विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू. Breathing and respiration in woody stems takes place with the help of root hair, lenticels, closed stomata and open stomatas. तो आप जानते हैं breathing और respiration plant के stem में lenticels से होता है, ना कि root hair stomata से होता है. Lenticels are the small outgrowth and bulging which takes place in the stems of old plants. जो पौधे होते हैं उनके जो stem जब old हो जाते हैं, जब वो mature हो जाते हैं, तो उनमें एक तरह का bulging हो जाता है, उभार आ जाता है, उनको ही कहते हैं lenticels, and with the help of these lenticels plants can breathe and respire. Whereas root hair is helpful in the respiration by roots, means root hair is present in the roots which help in the respiration and breathing. बाहर से ये root hair extra या फिर excess oxygen जिसका concentration ज़्यादा होता है वो air spaces में चली जाती हैं, और फिर carbon dioxide अंदर से बाहर आ जाती हैं. Stomatas लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लीव्स में हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर रूट हेयर नहीं होगा, क्लोज स्टोमेटा नहीं होगा, और स्टोमेटा ओपन भी नहीं होगा. दैट इज लेंटिसेल्स इज हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग विच इज प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स या प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, One of the following organism does not depend on simple diffusion of gases for breathing and respiration. This organism is. इनमें से कौन सा organism है जो simple diffusion की process पर निर्भर नहीं करता है
डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो आप जानते हैं कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, और ये स्लो प्रोसेस होगी तो उसके बॉडी को ज़्यादा देर में ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, और इसके वजह से उसकी सेल्स तक, उसके टिश्यूज़ तक, उसके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन उतना तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा जितनी उसको ज़रूरत है। तो वही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड नहीं है सिंपल डिफ्यूज़न के लिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ऑप्शन है आपके पास अमीबा, प्रॉन, प्लेनेरिया एंड ब्रायोफिलम। अमीबा, प्रॉन, प्लेनेरिया और ब्रायोफिलम, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वी कैन सी दैट हियर अमीबा इज यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दे यूज द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है अमीबा में, तो अमीबा तो यूज़ कर रहा है सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। नेक्स्ट ऑप्शन जो पहले गलत है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर आप देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्लेनेरिया को आप जितने भी पार्ट में कट कर देंगे उसका हर एक पार्ट फ्री और इंडिविजुअल बना सकता है। मींस प्लेनेरिया को अगर हम कई टुकड़ों में काट दें तो प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर एक कटा हुआ पार्ट एक फिर से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट प्लेनेरिया बना सकता है। ब्रायोफिलम एक लीव्स होती हैं जिनके लीव्स में भी रीजनरेशन पावर होती है, और ये भी सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। प्लेनेरिया, अमीबा और ब्रायोफिलम यूजेस सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वेयर एज प्रॉन इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड दिस सप्लाई मोर एंड मोर ऑक्सीजन, दैट्स वाई अ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज गिल्स इज प्रेजेंट फॉर दिस पर्पज, विच यूटिलाइजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर एंड रिलीजेज CO2 which is going to be excess during the metabolic activities. Means metabolic activity is the respiration and breathing. इनके दौरान होने वाली वो excess waste gases को release कर देते हैं, that is CO2, whereas oxygen लेते रहते हैं जो कि water में dissolved है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये गिल्स से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके वजह से ये ब्रीदिंग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पर वो है प्रॉन, प्रॉन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। और इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूँ कि डाइजेशन अभी बचा हुआ है, डाइजेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसको देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनके आंसर्स बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे जो लोग भी उस टॉपिक को देख लेंगे। मीन्स उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं। तो वेट करिए कि वो वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाए, और इस वीडियो के बाद मैं उसी पर काम करूंगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट और जो कि लास्ट सेगमेंट होगा आपका इस चैप्टर का, और आप देखेंगे कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर सारे दिन को कट कर दिया जाए मीन्स एक्स्ट्रा डेज को जिसमें हम हॉलीडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, तो केवल और केवल एक महीने आपके पास समय है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का। आपको पता है कि CBSE ने दो टर्म में एग्ज़ाम्स को डिवाइड कर दिया है, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन के लिए आपको MCQs देना होगा 90 मिनट्स, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करने के लिए टाइम दिया जाएगा, जो कि 10 मिनट्स था अब उसको इनहेंस करके 20 मिनट कर दिया गया है।
10 मार्क्स का जो इंटरनल प्रैक्टिकल होगा वो टर्म वाइज कर दिया गया है। 10 नंबर पहले 20 नंबर एक साथ मिल जाता था, अब 10 नंबर टर्म वन का और 10 नंबर टर्म टू का मिलेगा जोड़ करके। तो 40 MCQs इस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में देने हैं, जिसके लिए आपको निर्धारित समय जो है वो 90 मिनट्स है। तो आप हर एक क्वेश्चन को पढ़कर और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन कर सकते हैं, बेहतरीन जवाब और सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ना हो, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग मैराथन वी समटाइम्स गेट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेग मसल्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन या डिपोजिशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन लेग मसल्स। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी हलवा कैटेगरी क्वेश्चन। दिस इज आपसे कहा गया कि मैराथन के समय, मैराथन एक आप जानते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, एक रेस कंपटीशन होता है जिसको मैराथन कहते हैं, और इनमें डिस्टेंस शायद 29 किलोमीटर होती है। आप चाहे तो इसे देख लें। तो मैराथन के समय कभी कभी हमें कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं हमारी लेग मसल्स में, और बहुत ही ज़ोरदार दर्द भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग। ऑप्शंस आर CO2, एल्कोहल, लैक्टोज एंड लैक्टिक एसिड। आंसर आई थिंक सबको पता है, लैक्टिक एसिड। बिकॉज व्हेन आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द सप्लाई इज नॉट सेम एज द रिक्वायरमेंट। दैट्स वाई आवर मसल्स स्टार्ट्स टू रेस्पायर एनएरोबिकली, एंड यू नो दैट व्हेन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट by the process of glycolysis, and when there is not sufficient oxygen takes place, the pyruvic acid is changed into lactic acid and only 2 ATP energy is released. The 2 ATP energy is very small amount of energy, and this is not very helpful, but it is very helpful, but it is cannot be said as very very helpful, because this is a very small amount of energy. So the pyruvic acid is changed into lactic acid, and which deposits into the muscles, yeah, between the muscles, which cause cramping of the muscles during the marathon, yeah, during the running time, which is deposited in the legs. So the correct option will be lactic acid. Ye ho gaya. और फाइनली दो क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में एयर कैसे एंटर करती है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स, गिल्स, स्पिरेकल्स, स्किन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लंग्स जो है वो मोस्टली एम्फीबियंस में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप है, और जबकि आप जानते हैं कि कॉकरोच जो है वो अधिकतर विंड में उड़ने वाले एनिमल्स, मतलब एयर में हमेशा उड़ने वाले एनिमल्स हैं, दैट इज एरोबियल एनिमल्स कहा जाता है इनको। गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस ओनली एक्सेप्ट गैम्बूजिया, या फिर देख लेना होगा इसको। स्पिरेकल्स इज मोस्टली प्रेजेंट इन द इंसेक्ट, और काकरोच भी एक टाइप का क्या है, इंसेक्ट ही है। तो स्पिरेकल्स की सहायता से काकरोचेस में एंटर करती है एयर, और स्किन तो कुछ एनिमल्स का ये है, ऑर्गेनिज्म का, जैसे अर्थवॉर्म को ले सकते हैं, लीच को ले सकते हैं, ये रेस्पायर करते हैं इन मॉइस्ट स्किन से। तो स्पिरेकल इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस, विच हेल्प्स इन द एंटरिंग ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी एज स्पिरेकल्स।
स्पिरेकल्स स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पिरेकल्स हेल्प करते हैं कॉकरोचेस को रेस्पायर करने में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ मच हायर ब्रीदिंग रेट, मैन, फिश, डॉग और स्पैरो में ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है जिसको सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग हायर रेट की ज़रूरत होती है, हायर ब्रीदिंग रेट की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है मैन, फिश, डॉग, स्पैरो। आप सोच रहे होंगे मैन क्यों नहीं हो सकता, मैन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैन इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फियर ड्यू टू विच वी कैन नॉट फील एनी अनकंफर्टेबल टू ब्रीद इट। ओके, फिश इज अ एक्वेटिक एनिमल विच ओनली कैन यूटिलाइजेस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही यूटिलाइज करती हैं फिश। और डॉग भी टेरेस्ट्रियल है तो डॉग भी ब्रीथ कर लेगा ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। स्पैरो वही काम कर सकती हैं, जबकि फिश एक्वेटिक एनिमल होने के नाते ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करेंगे। इसलिए अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करती है कि कितनी तेज़ी से ये बार बार डिफ्यूज्ड कर रहे हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को पास कर रहे हैं, मीन्स ले रहे हैं बॉडी के इनसाइड और एक्सेस जो CO2 बन रही है उनको बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हायर ब्रीदिंग रेट किसका होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, दैट इज फिश, बिकॉज फिश हैज़ गिल्स विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन। इन दिस वे दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी एंड एंड आवर लास्ट टॉपिक इज रिमेन एज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे कि ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए स्पेशल वेन्स, आर्टरीज, और उसके बाद उसी में आपको हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में जानना होगा, उसके चैम्बर्स के बारे में जानना होगा। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएंगी। तब तक ये जितनी वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट ये हो गया और बीच में दो वीडियो और अपलोडेड हो चुकी हैं, मीन्स चार वीडियो इस सेक्शन की हो चुकी हैं इस चैप्टर की। ये चारों वीडियो जो देखेगा वो इस चैप्टर में आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है इजीली। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद मैं आपको कुछ NCERT के फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप देखेंगे कि बायोलॉजी में आपका 40 क्वेश्चन हो गए साइंस के, जिसमें बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट तक उनको ये वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है उसकी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक वीडियो का लिंक अगर आप शेयर कर देते हैं तो सारी वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू टॉपिक, कंसंट्रेट करिए और हर चीज़ को अच्छे से पढ़िए जिससे आप भूलें ना। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही ट्रांसपोर्ट की मिलेगी। Thanks for watching the video again and again.